इटावा पुलिस ने एक गैंगस्टर अभियुक्त सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, 315 और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा इटौली पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर भदामई पुल की ओर से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें थाना बसरेहर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद इटावा पुलिस के दो थानों में, बसरेहर में तथा चक्रनगर में, दो आर्म सेट की कार्रवाइयाँ की गई हैं तथा चार कारतूस बरामद किए गए हैं, 315 बोर के चाकू बरामद किया गया है, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है तथा तीन अभियुक्तों को नियमानुसार आर्म सेट तथा चोरी की मोटरसाइकिल रखने के लिए, जो दिल्ली से चोरी हुई थी उसको बरामद करने के लिए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है तथा चूँकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तथा इस संबंध में इटावा पुलिस द्वारा बराबर आर्म्स एक्ट तथा अन्य जो विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं, NDPS एक्ट एवं शराब की रिकवरी और कैश की बरामदगी, सभी जगह जगह पर चेकिंग होकर ये कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं तथा ये भविष्य में भी अपराधियों के खिलाफ नियंत्रण करने के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी।